तो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप. मैंने एक वीडियो बनाया था, ऊपर फ्लैश कर रहा होगा, सैलरीज इन जर्मनी. और मैंने आपसे बोला था कि भाई कमेंट करो आप अगर कोई सैलरीज जानना चाहते हो जर्मनी के बारे में. तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो है मेरे पास कमेंट आए, जैसे ट्रक ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है, वेटर की सैलरी कितनी होती है, होटल्स में कितनी सैलरी होती है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कितनी सैलरी होती है, डॉक्टर्स की कितनी सैलरी होती है, कंपाउंडर की कितनी सैलरी होती है. तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो मुझे कमेंट्स आए, तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए. थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया. और मैं अब आपको बताऊँगी एवरेज सैलरी कितनी होती है इन सब प्रोफाइल्स की जो आपने मुझे लिख के दी. अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहली बात, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने कुछ पोर्टल से निकाली है, जो यहाँ के पोर्टल्स हैं, और मैंने स्टुटगार्ट रीजन के लिए ली है. तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो सैलरीज होती हैं वो डिपेंड करता है आप किस रीजन में हो. तो ऑफकोर्स मैंने अभी स्टुटगार्ट में ली है, बट आपको थोड़ा सा ये रफ आइडिया दे देगी कि सैलरी कितनी होती है. एंड देन जो वैलिड पोर्टल्स हैं, जैसे ग्लास जॉर हो गया, लिंक्डइन हो गया, और कुछ गूगल्स में वेबसाइट्स हैं, zing.com हो गया, उससे मैंने ये सैलरी ली है. तो एस्टिमेशन आप मान सकते हो कि इधर उधर ही होगी. और ट्रक ड्राइवर की सैलरी सबसे बाद में बताऊँगी, तो ज़रूर स्टे ट्यून, उसके लिए ज़रूर स्टे ट्यून. स्टार्ट करने से पहले, मतलब वो सारी सैलरीज बताने से पहले, मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मिनी जॉब होती है, फिर पार्ट टाइम जॉब होती है, और फुल टाइम जॉब होती है. मिनी जॉब्स जो होती हैं उसमें आप 450 यूरो पर मंथ और पर ईयर 5400 यूरो कमा सकते हो कुछ घंटे काम करके. और जो पार्ट टाइम जॉब होती है उसमें 20 से 30 घंटे वीकली आपको काम करना होता है, और उसमें आप 1100 टू 1500 यूरो रफली कमा सकते हो. और वो भी किस जॉब्स में, जैसे आप वेटर की जॉब कर रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में कोई भी हेल्पर की जॉब कर रहे हो, कुक की हेल्पर की जॉब कर रहे हो, कोई होटल है उसमें साफ़ सफाई का काम कर रहे हो, तो ये सारी जो जॉब्स होती हैं जो मैंने आपको बताया अभी, पार्ट टाइम जॉब और मिनी जॉब, उसमें आप ये सारे काम कर सकते हो जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये करते हैं. अब हम आते हैं सैलरी पे. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ डॉक्टर की सैलरी. डॉक्टर की सैलरी मैंने आपको बोला ही था कि बहुत स्किल जॉब होती है डॉक्टर वाली, और यहाँ पर हाईएस्ट पेइंग जॉब होती है डॉक्टर्स की सैलरी. तो आपने मुझे लिखा था कि कितनी होती है, तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं. अगर आप एक असिस्टेंट डॉक्टर की मैं बात करूँ तो वही 85,000 यूरो इस पर्टिकुलर रीजन में कमाते हैं. अगर आप सीनियर की बात करो तो वो हो सकता है 2,40,000 यूरो तक वो कमाते हो. तो डिपेंड करता है एक्सपीरियंस कितना है, क्या पोजीशन पे हो आप, किस पर्टिकुलर में स्पेशलाइज्ड हो. पर ऑफकोर्स स्टार्ट होती है अराउंड 70K यूरो से, 2,40,000 तक भी जाती है, और उससे भी ज़्यादा अगर कोई कमाता हो तो. तो ये है आपका आंसर अबाउट द डॉक्टर सैलरी. इसी के साथ किसी ने मुझे लिखा था कि डेंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है यहाँ पर, तो मैंने डेंटिस्ट की सैलरी निकाली. तो एवरेज डेंटिस्ट की सैलरी 68K यूरो होती है. तो हाँ, डेंटिस्ट इज़ आल्सो अ गुड पेइंग जॉब. मैं कुछ देख के आपको बताऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे फिगर सारे याद नहीं है. उसके बाद मुझसे किसी ने पूछा था कि आईटी सेक्टर में क्या सैलरीज होती है. तो इस रीजन में 58K से स्टार्ट होती है 272K, बेस्ड ऑन आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कौन सा सॉफ्टवेयर, लाइक आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हो, आप किस कंपनी में काम करते हो उस पर. हाँ, इट्स स्टार्टिंग इज 58K. डेटा साइंटिस्ट सैलरी, डेटा साइंटिस्ट सैलरी की भी जब मैंने देखा तो इट स्टार्ट फ्रॉम 61K, और उनकी भी बहुत अच्छी सैलरी होती है. मतलब किसी किसी केसेस में जिनके एक्सपीरियंस 10 ईयर से ज़्यादा होते हैं उनकी सैलरी 85K से भी ज़्यादा होती है. अगेन, आप कहाँ काम कर रहे हो, किस रीजन में काम कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, बट एवरेज मैं सबकी आपको बताती जाऊँगी, एंड दैट इज़ 61K. अब मैं आपको एक बताती हूँ सर्विस इंडस्ट्री. मैंने सर्विस इंडस्ट्री के कुछ लिए हैं, आपको पता ही होगा यहाँ सर्विस इंडस्ट्री में जो भी लोग जॉब करते हैं, या सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पर हम लोगों के लिए जो है वो बहुत महंगी है. तो इसी वजह से जो सर्विस इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज जो होती है वो अच्छी होती है. जैसे वेटर की सैलरी जो है वो 18K से 28K पर ईयर होती है. शेफ़ हेल्पर की जो सैलरी होती है वो 18K टू 28K होती है. कंपाउंडर की सैलरी जो होती है वो 30K एवरेज होती है. ट्रक ड्राइवर की जो सैलरी होती है वो 2,500 यूरो पर मंथ, मतलब कुछ 30,000 यूरो पर ईयर की लगभग होती है. अगेन, मैं आपको सारा एवरेज बता रही हूँ,
ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है किसी की, अगर आप किसी को जानते हो तो। होटल मैनेजमेंट में यहाँ पर जो सैलरी है वो, अगर मैं मैनेजमेंट एरिया की बात करूँ तो वो स्टार्ट होती है 45 से 50 के बीच में। एंड टीचिंग, अब टीचिंग में भी यार बहुत सारी चीज़ होती है, मतलब लेक्चरर होती है, फिर किंडरगार्टन के टीचर्स होते हैं, देन जो यहाँ के जो स्कूल्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी उसके टीचर्स की होती है, बट इट स्टार्ट फ्रॉम लाइक 55K के लगभग होती है। पर जो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं उनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती है। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि मास्टर्स स्टूडेंट सैलरी क्या होती है, तो यार मास्टर्स तो बहुत सारे एरियाज़ में होता है, तो अब मुझे पर्टिकुलरली पता नहीं है आपका क्वेश्चन क्या है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हो, तो मैं आपको इसका आंसर नहीं दे सकती हूँ, सॉरी। आप स्पेसिफिक लिखना तो मैं नेक्स्ट टाइम दूंगी। रिटेल इंडस्ट्री, तो रिटेल इंडस्ट्री में मैं मान लेती हूँ कि आप सेल्स पर्सन की बात कर रहे हो, तो सेल्स पर्सन 18K to 30K यहाँ पर कमाता है। हेड ऑफिस में जो सैलरीज होती हैं वो कुछ ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, पर वही रिटेल में जो सेल्स पर्सन की जॉब्स होती हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं एज अ काइंड ऑफ मिनी जॉब या फिर पार्ट टाइम जॉब्स। तो या दैट्स द रिटेल इंडस्ट्री। बाकी रिटेल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट या सेल्स पर्सन की इतनी होती है। अकाउंटेंट, अगेन आपने मुझसे अकाउंटेंट पूछा था, मैंने जब एवरेज देखा तो 40K होती है, बट अकाउंटेंट में भी बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है और बहुत सारी चीज़ होती है, तो मतलब एकदम जो जनरल जो भी एक प्रोफाइल होती है उसके बेसिस पर मेरे को 40K मिला। बैंकिंग इज़ अ वेरी गुड सेक्टर हेयर, और बैंकिंग में सैलरीज बहुत अच्छी होती है, एवरेज 50,000 से 1 लाख तक जाता है। एंड फ्रैंकफर्ट जो है वो बैंकिंग हब है, तो ऑफ कोर्स अगर बैंकिंग में कोई यहाँ आना चाहता है तो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जॉब्स होंगी उनके लिए। फिनेंस में कितनी होती है, फिनेंस में 50K से स्टार्ट होती है, और कुछ लोग जो हैं इस पर्टिकुलर फिनेंस एरिया में 8,000 पर मंथ भी कमाते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, बट हाँ वो रेयर एग्जांपल्स होते हैं, बट हाँ देयर आर केसेस। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अगेन मैंने आपको बोला कि स्टार्ट होता है 55K, और जो और सीनियर्स लेवल पे होते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा सैलरी होती है। मैकेनिकल इंजीनियर्स की 50K से स्टार्ट होती है, या फिर मैं ये बोल दूँ कि एवरेज सैलरी 50K होती है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की 57K होती है, बायोटेक की 50K होती है, और एविएशन में मोर देन 60K होती है। अब मुझे नहीं पता आप पर्टिकुलरली किस फील्ड की बात कर रहे हो, बट मैंने जब इन सेक्टर्स में देखा, इन सेक्टर की एवरेज सैलरी देखी, तो ये सारे रिजल्ट्स मेरे पास आए। बट आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि यहाँ पर एवरेज सैलरीज़ कितनी होती है। अब प्लीज़ आप मेरे जो नंबर्स हैं वो देख के मुझे ये मत कमेंट करना, अरे मेरे फ्रेंड की तो इतनी सैलरी, बिकॉज मैंने आपको बताया कि हो सकता है यहाँ पर अगर स्टुटगार्ट रीजन में कोई 50K कमा रहा है तो बर्लिन एरिया में कोई 35K भी कमा सकता है, इतना डिफरेंस है। तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हो, और हो सकता है म्यूनिक में वही पर्टिकुलर प्रोफाइल पे इंसान 70K भी कमाता हो। तो बहुत ही डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो, किस प्रोफाइल पे हो, कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, और कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो। तो ठीक है गाइज, पर मैंने आपको आपके आंसर्स दिए, और इस, और हाँ ट्रक ड्राइवर की तो मैंने आपको पहले ही बता दी सैलरी, तो ट्रक ड्राइवर यहाँ पर मुझे लगा था बहुत अच्छा कमाते हैं। सो द फाइनल वन इज ट्रक ड्राइवर सैलरी। ट्रक ड्राइवर की सैलरी यहाँ पर होती है 30K पर ईयर, और 2500 एवरेज हमारे एरिया में जहाँ पर हम रहते हैं। तो हाँ, दिस इज़ द ट्रक ड्राइवर सैलरी। और इसके अलावा अगर मैंने कुछ मिस आउट किया हो, वैसे मैंने सारे लोगों के कमेंट्स ले लिए हैं, अगर मैंने कुछ भी मिस किया हो तो आप ज़रूर कमेंट करना और बताना कुछ आपको इस वीडियो से इंसाइट्स मिले हैं या नहीं, और भी कुछ जानना चाहते हो और किसी प्रोफाइल की या डोमेन की तो मुझे कमेंट करना ज़रूर। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।